हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड से। देखिए, जो इसका ऑल टाइम हाई है, इससे शेयर 20-25% के आसपास का गिर चुका है। तो क्या यहां पे बाइंग का मौका देखने को मिल रहा है या फिर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है? देखिए, कंपनी ने कुछ टाइम से, अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि NTPC ग्रीन से बड़ा ऑर्डर मिला है और उसके बावजूद भी, इसके बाद भी यहाँ पर नया ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो इनके क्लाइंट हैं वो रिपीट में भी ऑर्डर दे रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई अच्छा खासा तेजी देखने को नहीं मिल रहा स्टॉक में। तो जानेंगे सब कुछ क्या है लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसमें, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर मैं बात करूँ, आज जो स्टॉक में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, 0.35% के आसपास का गिरा हुआ है। अगर पिछले 5 दिनों की बात करेंगे तो 4% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में अगर हम बात करेंगे तो 12-13% के आसपास का गिर चुका है। ठीक है, एक टाइम पे स्टॉक जो था वो 85 रुपये से ऊपर था। 6 महीने का अगर हम इसमें चार्ट देखते हैं तो देखिए, एक ऊपर चला गया था लगभग, लेकिन वहां से गिर रहा है। ठीक है, 84 रुपये के आसपास से ये सीधा गिर रहा है 2024 की अगर बात करूँ। लेकिन हालांकि अब रिटर्न देख सकते हैं, पिछले 6 महीने में 80% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना करके दिया है, और इस पूरे साल में बात करेंगे 2024 में तो 91.56% का। ठीक है, यानी कि 91-92% के आसपास का इसमें तेजी बनते हुए दिखाई दिया है एक साल में। ठीक है, यहाँ टाइम पे स्टॉक पेनी स्टॉक हुआ करता था, लेकिन जब तेजी आई तो आप लोग देख सकते हैं कि बम्पर तेजी देखने को मिला। ठीक है, और जो तेजी है वो केवल आपको 1 से 1.5 साल के भीतर देखने को मिल रहा है। एक साल पहले अगर आप जाइएगा तो 20-25 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था स्टॉक, लेकिन वहां से सीधा बम्पर तेजी दिखाया था। अब 5-10% का अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक है वो बहुत बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे देखने को मिला था, और जो ऑल टाइम यहाँ पे हाई बनाया था वो 83 रुपये का हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये गिर रहा है। ठीक है, लगातार गिरावट इसमें देखने को मिल रहा है। तो 2-3 रीजन में गिरावट के आपको बताता हूँ। पहला रीजन तो ये कि स्टॉक में ना बहुत बम्पर तेजी देखने को मिला है और वहाँ से बिकवाली देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हालांकि यहाँ पे जो बम्पर तेजी है उसके रीजन भी यहाँ पे फंडामेंटल वाले ही रीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी जो एक टाइम पे एक्सपेंडेशन के ऊपर फोकस कर रही थी, उनका फोकस एक्सपेंडेशन से हट करके क्या हुआ, प्रॉफिटेबल होने पे हुआ। तो कहीं ना कहीं उसके बाद कंपनी जो प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुई और यहाँ पे इनको लगातार ऑर्डर मिलना शुरू हुए, फिर आप देख सकते हैं कि इनका जो रैली है वो बम्पर रैली की तरह यहाँ पे भागते हुए दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक जो रिजल्ट आने वाला है उनका, मतलब अभी तक कोई अपडेट नहीं है जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैं बात करूँगा खास करके मार्केट कैप की। 1,02,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे पहुँच चुका है, मतलब स्मॉल कैप तो बिल्कुल भी नहीं है, लार्ज कैप के कैटेगरी में ही ये कंपनी आएगी। 1,362 करोड़ का इनका रेवेन्यू था एक साल पहले, अभी अगर देखा जाए तो 2,044 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। सेम अगर प्रॉफिट देखा जाए तो देखिए, 101 करोड़ का हुआ करता था, अभी जून 2024 में 302 करोड़ का प्रॉफिट है, और पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च वाले क्वार्टर में 254 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। ठीक है, तो हालांकि अभी तक हम देखेंगे कि जो इनका मार्च वाला और यहाँ पे जून वाला रिजल्ट का अपडेट है, लेकिन जो इनका अभी सितंबर का रिजल्ट आने वाला है उसका अपडेट यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो हालांकि उसका कोई अभी अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे ही कोई अपडेट आता है डेफिनेटली हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसका कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, डिविडेंड की जहाँ तक हम बात करेंगे, देखिए स्टॉक जो है 100-150 से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे डिविडेंड मिलते हुए दिखाई देंगे आपको। एक टाइम लास्ट टाइम 2008 में यहाँ पर डिविडेंड दिया था, बोनसेस की बात करेंगे तो कंपनी भूली जाइए, अभी तो कंपनी पैसे बनाना स्टार्ट किए, एक टाइम पे तो लॉसेस में चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आगे, जो अभी जिस न्यूज़ की मैं बात कर रहा था इसके ऊपर मैंने आपको वीडियोस में अपडेट किया था, जो पिछला वाला वीडियो है कि सुजलॉन अनाउंस इंडियाज लार्जेस्ट एनर्जी ऑर्डर 1116 मेगावाट का इन्होंने NTPC ग्रीन से लिया था, और उसके बाद अभी बड़ा फर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंदल रिन्यूएबल। ठीक है, उससे 400 मेगावाट कैपेसिटी विंड पावर का यहाँ पे डील हुआ है, और हालांकि ये जो न्यूज़ है वो 10 अक्टूबर के आसपास का है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये एक चीज़ कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, ये हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं तेजी था और अभी थोड़ा बिकवाली आ रही है, और हालांकि कुछ टाइम से भी अगर कंपेयर किया जाए ना तो मार्केट भी एक कंसोलिडेटेड डायरेक्शन में चल रहा है, बीच में गिरावट भी देखने को मिला था अच्छा खासा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी शिकार हुआ है ये शेयर,
और ऐसे अच्छे खासे न्यूज़ में भी यहाँ पे मूव करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अगर मैं इस ऑर्डर के डिटेल में जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं, सुजलोन एंड जिंदल रिन्यूएबल 400 मेगावाट कैपिट विम पावर डील टू लीड डिक्रेशनशिप टू स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। दिस मार्क द फर्स्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी डाइवर्जन फॉर जिंदल ग्रुप, इंडिया लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। बड़ी बात है ये, बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि और इससे भी बड़ी बात ये है कि इनको बहुत ऐसे कंपनियों से मिल रहा है जो रिपीटेड है, ठीक है। पहले भी इन्होंने से करवाया था, इनका ऑर्डर था, और उसके बाद फिर से ये ऑर्डर ले रहे हैं उनसे, ठीक है। इंडिया सिंगल लार्जेस्ट कैपेसिटी CNI ऑर्डर ऑफ 400 मेगावाट टू इंस्टॉल 127S1144WTGS विथ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3.15। तो जहाँ तक हम बात करेंगे ऑर्डर को लेकर के, एग्जीक्यूटेड इन द कोपल रीजन इन कर्नाटका, इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। तो ये जो प्लांट होने वाला है ये बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, 400 मेगावाट की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डील है, और इस डील से कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। और इस डील की अगर हम बात करूँ कि सबसे ज़्यादा फायदा अगर आपको देखने को मिलेगा तो इनके जो अपकमिंग रिजल्ट आने वाले उसके ऊपर मिलेगा, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। जहां तक इसके फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो पी रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं पी रेशियो जो है 117 रुपए के आसपास का है, और हालांकि अभी जो है इसका सेक्टर पी भी हम देखा जाए तो 52 रुपए के आसपास का, मतलब महंगा तो है स्टॉक, महंगा है, बिल्कुल महंगा है। यहाँ पे 67% टिकट टाइप का एनालिस्ट यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, हमारे क्या राय है वो वीडियो के अंत में जानेंगे हम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग 13.27% पे है, म्यूचुअल फंड 3.82% पे, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे 5.34%, फॉरन इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे 21.53%, रिटेल और अदर की बात करूँ तो 56.03% है, रिटेल इन्वेस्टर 23.16%, ठीक है, और अदर पार्टी 32.87%। ये जो अदर पार्टीज है उसके बाद रिटेल का सबसे बड़ा होल्डिंग है, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट जो होल्डिंग है वो रिटेल पब्लिक का है 23.16% के आसपास का, ठीक है। सो यहाँ पे जहाँ तक मैं बात करूँगा फ्रेश बाइंग का, देखिए वैल्यूएशन ना है महंगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 73 रुपये का शेयर है, सस्ता है, गाइस बिल्कुल भी नहीं है, वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट अच्छा आते हैं तो डेफिनेटली वैल्यूएशन को मैच कर सकेगा, लेकिन रिजल्ट खराब आएगा तो फर्दर और भी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जिस प्रकार के ऑर्डर आ रहे हैं लगभग इनका जो है 450 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट का आशंका जता रहा है, हालांकि जैसे ही रिजल्ट आता है उसका अपडेट मिल जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि जैसे नवंबर के स्टार्टिंग में ही रिजल्ट आते हुए आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो फ्रेश एंट्री की जहाँ तक मैं बात करूँगा, देखिए फ्रेश एंट्री आप करिए लेकिन आपका जो आउटलुक होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप जैसे कि यहाँ पर ऐसी रैली का अगर आप वेट कर रहे हैं तो गाइस ऐसी रैली यहाँ पर कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यू कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन जिस पी पे ट्रेड कर रहा है वो पी पे इस वैल्यूएशन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते तो लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है, इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो इसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जिन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रोड ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो कॉन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।